नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की पांच महत्वपूर्ण खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन कौन सी हैं। पहली खबर है गोल्ड, जहां पर एक रिकवरी का माहौल बना है। शुक्रवार की तेज गिरावट के बाद इस वक्त गोल्ड का भाव 267 रुपये ऊपर है, 49,234 का स्तर है MCX पर गोल्ड में, और सिल्वर का भाव भी रिकवर हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस वक्त गोल्ड का भाव $1,845 प्रति औंस के करीब है और शुक्रवार को 2,000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट गोल्ड में आ गई थी। चांदी एक बार फिर से 65,000 रुपये के ऊपर आ गई है और चांदी में इस वक्त करीब 1.5% की तेज़ी है। शुक्रवार को चांदी के दाम करीब 6,000 रुपये तक गिर गए थे। इसके अलावा में आज एक मिक्स ट्रेड हो रहा है, मिला जुला कारोबार है। ब्रेंट का भाव $55.55 के नीचे है, 1% से ज़्यादा की कमजोरी दिख रही है। WTI क्रूड का भाव $52 के नीचे है और MCX पर भाव 3800 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मेटल में चौतरफा गिरावट है, निकेल, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड और जिंक, ये सारे के सारे मेटल लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा तेल और तिलहन में प्रॉफिट बुकिंग है, मुनाफा वसूली है। सरसों का वायदा 6,000 के करीब है और 2% से ज़्यादा दाम यहाँ पर टूटे हैं। सोयाबीन, सोया तेल में भी आज गिरावट का रुख यहाँ पर दिख रहा है। तो ये पांच खबरें, इन पांच खबरों के बाद अब हम बात करेंगे पांच ट्रेडिंग कॉल्स की, और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अजय केडिया, केडिया कमोडिटी के MD। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड में क्या लगता है आपको, अभी क्या गोल्ड अभी खरीदने का मौका है इस लेवल पे, या एक बार थोड़ा वेट कर लिया जाए US मार्केट ओपन होने का, उसके बाद नई स्ट्रेटेजी बनाई जाए, क्या सुझाव आपका? गुड आफ्टरनून नितिन जी। डेफिनेटली हमने देखा शुक्रवार को भी, हम देख रहे थे कि मार्केट में थोड़ा प्रेशर था, बट इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मार्केट में इकाई जितनी बड़ी फॉल आ जाएगी। तो ये मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अभी भी फंडामेंटल मजबूत है। शॉर्ट टर्म में हमने जो फ्राइडे के सेशन में इरोजन देखा है, वो कहीं ना कहीं अब बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रीजन से चाइना में भी कंप्लीट लॉकडाउन हुआ है, डॉलर इंडेक्स में नो डाउट गेंस है, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये हफ्ते में रहेगा US से स्टिमुलस आने की पूरी पूरी गुंजाइश है, जिसके चलते आज गोल्ड को वापस सपोर्ट मिला है। तो आई थिंक आज बिल्कुल ले लेना चाहिए, 49,100 के रेंज में लेके चलिए। 48,800 का स्टॉप लॉस रहेगा, 49,400 का टारगेट रहेगा। इंटरडे के बजाय थोड़ा सा अगर आप पोजिशनल व्यू या 15-20 दिन का व्यू लेके चले, तो आई थिंक काफी अच्छा लेवल है 49,100 यहाँ पर लेके चलना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और क्रूड में क्या किया जाए अजय जी? क्रूड में एक रेंज बाउंड ट्रेड है, एक मिला जुला कारोबार है, बहुत ही सुस्त मार्केट है आज का, 3800 के आसपास ही मार्केट सुबह से घूम रहा है MCX पर, क्या किया जाए कच्चे तेल में? मुझे लगता है कि क्रूड में पिछले हफ्ते हमने काफी अच्छी तेजी आती हुई देखा है, अब प्राइस चाइना से कंसोलिडेट कर रहा है। जिस से चाइना से जो लॉकडाउन का अपडेट आया है, ये कहना में थोड़ा बहुत कंसर्निंग है। टाइमिंग मुझे फंडामेंटल कोई मेजर वीकनेस की तरफ तो नहीं है, बट पिछले हफ्ते की तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर ड्यू लग रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। 37.70-37.80 तक का एक ड्रॉप मिलता है, वहाँ पे ड्रॉप पे ही लेके चलिए, जो अपसाइड लिमिटेड रहेगा, बट 38.50-38.80 तक का लेवल दिखा देगा। कॉपर पर आपका कमेंट क्या होगा? कॉपर में क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए अब? कॉपर में पिछले हफ्ते हमने काफी अच्छी तेजी देखी थी, शुक्रवार के सेशन में भी हमने सेल कॉल रखा था जिसमें से फंडामेंटल दिखा रहे थे, बट टाइमिंग मुझे लगता है प्राइसेस में जिसमें से हमने 628 ऑलमोस्ट 612 का लेवल छूटे हुए देखा है, तो मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है। प्राइसिंग इंटरडे के लिहाज से 612 के करीब लेके चलिए, 608 का स्टॉप लॉस रहेगा। अब साइड में फिर से बाउंस देखने मिल जाएगा, जो 618 तक का लेवल रहना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा क्रूड पाम तेल, क्या क्रूड पाम तेल में आपको लगता है कि अभी भी बाइंग करने का मौका बना हुआ है, खरीदना चाहिए क्रूड पाम तेल को इस गिरावट पे? बिल्कुल मित्र, मुझे लगता है फंडामेंटल लॉन्ग टर्म अभी भी स्ट्रांग है। नो डाउट अटकलें लगाई जा रही है कि B30-B40 के अंदर कुछ मैंडेट में चेंज होता है या इम्पोर्ट ड्यूटी में कुछ चेंज होता है, उसका असर पड़ेगा, बट जब तक भी न्यूज नहीं आती है काउंटर काफी बुलिश है। वॉट एवर ड्रॉप जो भी मिले उसमें लेके चलिए, आज के लिए 982 पे लेके चलना है, 972 का स्टॉप लॉस रहेगा, ओवरऑल 996-1000 तक के लेवल हम पाम ऑयल में देख पाएंगे। ठीक है। कैस्टर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है, क्या कैस्टर में अभी बाइंग करना ठीक है इस लेवल पे, या थोड़ा वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि कैस्टर में जिस दिन से हमने नवंबर के बाद एक गिरावट आते हुए देखा और प्राइस में कंसोलिडेशन जोन चल रहा था, तो काफी टाइम के बाद प्राइस कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं कैस्टर में फरवरी वायदे की बात करूँ तो 4400 का काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है फरवरी वायदा
जो आप साइड में मुझे लगता है 4550 से 4560 तक का एक जम दिखा देगा। ये पांच कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका है, आप ट्रेड करिए, लेकिन जो भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है प्रवीण का, हिसार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए प्रवीण जी। सुनील है हमारे साथ, पूछिए सुनील जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार, पूछिए। सर चांदी क्या 60,000 के नीचे आ जाएगी? सर चांदी क्या 60,000 के नीचे आ जाएगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। अजय जी बताइए, क्योंकि शुक्रवार को जिस तरह से मार्केट ने पैनिक रिएक्शन दिखाया उसके बाद से ये सवाल भी लाजमी है, क्योंकि एक झटके में 6,000 रुपए साफ हो गए थे, तो क्या 65,000 के नीचे भी आने की कोई संभावना आपको सिल्वर में दिख रही है? देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल करंट में फ्राइडे तक थे उसके हिसाब से करेक्शन जरूर लग रहा था हमें भी, पर इतना ज्यादा नहीं लग रहा था। नो डाउट वॉलिटी भी काफी बड़ी है, पर टाइमिंग करंट फंडामेंटल के हिसाब से जो करेक्शन आने थे वो ऑलमोस्ट पूरे आ गए। जब तक कुछ नया अपडेट नहीं आता है, मुझे लगता है 60 तो काफी नीचे है, बट 62 के नीचे भी जाते हुए नहीं लग रहा है। बेटर है 62-62.5 तक एक मीडियम टर्म के लिए बाइंग की जाए तो प्राइजेस में वापस जंप आ जाए। ये लेवल से भी अगर आज भी काफी अच्छी शानदार 1.5% की रिकवरी आई है, मुझे लगता है करंट लेवल से भी लिया जाए इंटरडे परस्पेक्टिव से एक अच्छा बाउंस मिल जाएगा। सोने के मुकाबले चांदी ज्यादा स्ट्रांग मूवमेंट आते हुए दिनों में दिखा सकती है। अच्छा, तो ये राय आपकी चांदी के ऊपर है। इस वक्त चांदी में 1.5% से ज्यादा की तेजी दिख रही है, करीब करीब 1,000 रुपए चांदी के दाम MCX पर बढ़ चुके हैं। 65,225 का लेवल MCX पर चांदी में दिख रहा है। ठीक है, ये बात हो गई चांदी की। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ मेटल मार्केट के ऊपर। मेटल में आपने कॉपर में बताया कि बाइंग करनी चाहिए, निकल में अब क्या करना चाहिए? निकल में भी कुछ ट्रेड करना अभी ठीक है? देखिए निकल में वॉलिटी काफी ज्यादा है एज ऑफ नाउ, पिछले हफ्ते में देखा था, बट टाइमिंग आप अगर चाइना से अगर अपडेट देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील में डिमांड काफी अच्छी है, साथ में आयरन ओर में भी डिमांड अच्छी है, तो मुझे ज्यादा कोई बड़ी वीकनेस देखी। थोड़ा सा अगर 1280 का लेवल अगर निकल जाता है तो आई थिंक प्राइस फिर से 1300-1320 का लेवल या इसके बियॉन्ड जा सकता है। जब तक 1280 का लेवल ब्रीच नहीं करता है 1240-1280 के बीच में जाएगा। शॉर्ट टर्म में एक वीकनेस जरूर है, बट जिस दिन से स्टेनलेस स्टील की डिमांड बढ़ी और इन्वेंट्रीज में ड्रॉप है, ये कहना कि निकल को काफी अच्छा पुशअप करेगा बट 1280 के ऊपर। अगला सवाल है अनिल का अकोला से, पूछिए अनिल जी। क्या सवाल है आपका? गोल्ड का 51,500 के करीब गोल्ड और 70,000-72,000 सिल्वर कल तक बन सकता है, बताइए अजय जी। देखिए कल तक बन सकता है, नो डाउट वैसा सीन अभी नहीं दिख रहा है। नो डाउट जिस दिन से हमने शुक्रवार को वॉलिटी देखी है तो उम्मीद कुछ भी की जा सकती है, बट ये हफ्ते में जिस दिन से हमने देखा US से नए प्रेसिडेंट स्टिमुलस की घोषणा कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ सीनरियो बनता है तो डेफिनेटली तेजी बनेगी गोल्ड में। बट 51 तक तो मुझे नहीं लगता, टाइमिंग स्लो है, स्टडी मूव करेगा, बट 50,400-500 तक गोल्ड में और चांदी 68-69 तक पहुंच जाएगा। बट ओवरऑल ये हफ्ते में सोने और चांदी में जो गिरावट आ चुकी है उसके बाद फॉलो बाइंग कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।